यूक्रेन युद्ध को आज 65 दिन हो चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा है। इस रकम में से $20 अरब सैन्य सहायता के लिए और $5 अरब यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब लोगों की मदद के लिए दी जा सकती है। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर कुछ सिख और हिंदू संगठन आमने सामने हो गए हैं। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे, वहीं कुछ सिख संगठन इसका विरोध करने लगे। इस वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। इस बीच SHO के हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद माहौल संभालने के लिए SSP ने हवाई फायरिंग की। फिलहाल यहाँ माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। देश में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद में अब PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती कूद पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अचानक से लाउड स्पीकर का मामला आया है, इससे पहले हिजाब का मामला आया था, आगे हलाल का मामला आएगा, तो ये सब समाज को बांटने की साजिश लग रही है। नौकरी, बेरोजगारी, बिजली का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर में हो रहे दंगों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। RSS चीफ ने अमरावती के एक कार्यक्रम में कहा कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। भागवत ने ये भी कहा कि हिंसा से किसी को फायदा नहीं होता, सभी समुदायों को एक साथ मानवता की रक्षा करनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 3000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 3687 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 2496 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 60 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 51,22,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.56 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने भाई और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को उनके पद से हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। महिंद्रा 2019 से प्रधानमंत्री पद पर हैं। वे 2004 में पहली बार श्रीलंका के PM बने थे। गर्मी ने लोगों की आत्म परीक्षा लेनी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में भी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 18 राज्यों के 20 से ज्यादा शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 46 डिग्री के साथ UP का प्रयागराज टॉप पर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव करीब 0.56% चढ़ गया। इससे सोने की कीमत 353 रुपए बढ़कर 51,615 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए। पीले धातु के कारोबार की शुरुआत 51,499 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुलकर हुई थी। इससे पहले लगातार 6 कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में गिरावट आई थी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 460 पॉइंट की गिरावट के साथ 57,060 पर, जबकि निफ्टी 142 अंक गिरकर 17,102 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में सन फार्मा, कोटक बैंक, HDFC, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉक्टर रेड्डी में सबसे ज्यादा बढ़त रही।